नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज जो सेक्शन हम पढ़ेंगे समझेंगे वो सेक्शन है सेक्शन 35 और सेक्शन 36। सेक्शन 35 जो है वो बोलता है कि इस एक्ट के अंदर में रेस्पोंडेंट को क्या रिलीफ है। सेक्शन 35 रेस्पोंडेंट की रिलीफ के ऊपर में बात करता है, और जो सेक्शन 36 है ये बात करता है एलिमोनी को लेके। एलिमोनी पेंडेंट लाइट, पेंडेंट लाइट का मतलब होता है प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुई, प्रोसीडिंग चल रही है, इसी के बीच एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब होता है चलने के लिए कुछ पैसा देना, एलिमोनी हो गया। तो पहले सेक्शन 35 देखते हैं। तो चैप्टर 5 या चैप्टर 6 के ऊपर में पेटिशनर ने कोर्ट कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया, ठीक है, केस चल रहा है। अब रेस्पोंडेंट के पास क्या पावर है, तो रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है, वो उस पिटीशन को अपोज कर सकता है। क्या बेसिस के ऊपर अपोज कर सकता है, वो ये अपोज कर सकता है कि जो पिटीशनर है वो एडल्टरी में लिप्त है, जो पिटीशनर है वो उसके ऊपर क्रुएल्टी करता है, जो पिटीशनर है वो छोड़ छोड़ के चला जाता है, डिसर्शन करता है। और इसी के बेसिस के ऊपर में रेस्पोंडेंट के पास पावर है कि वो काउंटर चार्ज करे। पेटिशनर के ऊपर में रेस्पोंडेंट काउंटर चार्ज भी कर सकता है, और अगर जो एलिगेशंस रेस्पोंडेंट पेटिशनर के ऊपर लगाता है वो अगर प्रूव हो जाता है कोर्ट के अंदर, अगर वो प्रूव हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट पेटिशनर की जो पिटिशन है वो तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इनवैलिड हो जाएगी, और जो रेस्पोंडेंट कि जो काउंटर चार्ज है उसके ऊपर में जो रिलीफ रेस्पोंडेंट को मिलना चाहिए, अगर वो रेस्पोंडेंट नहीं होकर पिटिशनर होता, अगर वो रेस्पोंडेंट नहीं होकर के अगर वो पिटिशनर होता और वो पिटिशन फाइल किया होता, तो उस समय जो रिलीफ उसको मिलता वही रिलीफ उसको इस समय मिल जाएगा रेस्पोंडेंट होने के बावजूद। तो ये एक रिलीफ है जो सेक्शन 35 रेस्पोंडेंट को देता है, लेकिन उसके लिए पिटिशनर को या तो एडल्ट्री में लिप्त होना पड़ेगा या क्रुएल्टी में लिप्त होना पड़ेगा या डिसर्शन में लिप्त होना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 35। सेक्शन 36 जो है वो है आपका एल्यूमोनी पेंडेंट लाइट। तो इसमें यह है, ये बेनिफिट वाइफ को दिया गया है, इसमें क्या है कि प्रोसीडिंग चल रही है अंडर चैप्टर 5 या चैप्टर 6 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, प्रोसीडिंग चल रही है। अब कोर्ट ये देखता है कि वाइफ के पास प्रोसीडिंग चलाने का पैसा ही नहीं है, लीगल फीस देने वगैरह का पैसा है ही नहीं वाइफ के पास, वो नहीं दे पा रही है। दूसरा, वाइफ अपने आप को चलाना, अपने घर को चलाने का भी उसके पास में पैसा नहीं है, केस चल रहा है। तो वाइफ एक एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट में अंडर सेक्शन 36 कि हमको हस्बैंड से एलिमनी दिलाइए। तो कोर्ट क्या करेगा, हस्बैंड की इनकम को देखते हुए, वाइफ की ये सब कंडीशंस को समझते हुए, एक अमाउंट हस्बैंड को बोल देगा कि वाइफ को पे करे या मंथली करे या वीकली करे। और हस्बैंड के पास जब कोर्ट का ये नोटिस आ जाता है, वो नोटिस आने के 60 दिन के भीतर भीतर हस्बैंड को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है एल्यूमनी पेंडेंट लाइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।